सभी दोस्तों का वेलकम एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने टेरेस गार्डन पे गुलाब लगा सकते हैं। अगर हमारे बालकनी में 2 से 4 घंटे की धूप आती है तो हम ऐसे गुलाब लगा सकते हैं। पहले आप मेरे गुलाब देख लीजिए, कुछ बातों का ध्यान रखें, मैंने अपने गुलाब को कैसे ग्रो किया है यही जानकारी आज हम आपको देंगे, ताकि आप भी अपने छत पे बहुत अच्छे से गुलाब लगा सकें। दोस्तों, देख सकते हैं मेरे गुलाब में कितनी सारी कलियां आई हुई हैं और गुलाब खिल भी रहे हैं। तो दोस्तों, गुलाब में आपको कुछ बातों का ख्याल बस रखना होता है। दोस्तों, गुलाब में 2 बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं। माइट की प्रब बीमारी होती है जो कि बहुत जल्दी लग जाती है, और एक होती थ्रिप्स। दोस्तों, ये 2 बीमारी हमारे पौधे को बहुत ही जल्दी ख़राब कर देती है, और उसमें से तीसरी बीमारी है फंगस। तो दोस्तों, इन बीमारियों का मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, माइट और थ्रिप्स के लिए हमें अपने गुलाब को या तो नर्सरी से कोई दवाई लाके इस पे हमें हर हफ्ते में डालनी होगी, जिससे हमारे इसमें बीमारी ना लगे। पर वो दवाई बहुत ही पॉइजनस होती है, इसलिए मैं उसे डालने के लिए मना करता हूँ। मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप अपने गुलाब को माइट और थ्रिप्स की बीमारी से फ्री रखना चाहते हैं, तो आप मॉर्निंग के समय अपने गुलाब पे शावरिंग ज़रूर करें, इसे नहलाएं, इससे कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और फंगस के लिए आप कभी भी अपने गुलाब को रात में या फिर इवनिंग में कभी भी इस पे शावरिंग ना करें। अब आते हैं हम मिट्टी पे। तो दोस्तों, इस मिट्टी का ही ख्याल रख के आप बहुत अच्छे गुलाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर, अगर आप अभी नए नए गुलाब लगाने जा रहे हैं तो कभी भी प्लास्टिक का पोट ना लें, आप ऐसे मिट्टी का पोट लें। इससे आपकी जो गुलाब के प्लांट है उसकी रूट सिस्टम को वायु यानी कि एयर मिलती रहेगी, और आपका गुलाब बहुत अच्छे से चल सकेगा। दोस्तों, इसकी मिट्टी भी उतनी ही खास है जितना कि गमला। दोस्तों, इसकी मिट्टी आपको एसिडिक रखनी है। अगर आपके पास एसिडिक करने के लिए कोई मिट्टी नहीं है तो आप इसमें गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट डालते रहें हर हफ्ते, तो आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। दोस्तों, अब इसमें एसिडिक होने से आपका प्लांट जो कि आप कोई भी फूड देंगे वो अच्छे से इसमें जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये है बोन मील, किसी भी नर्सरी पे आपको मिल जाएगा। तो हर हफ्ते आपको 2 से 4 चम्मच बोन मील इसमें रूट में डालना है। देख सकते हैं हम इसके रूट में ये डाल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पे ये 2 गमले में मैं आपको दिखाने के लिए इसमें डाल दे रहा हूँ। और अब हम इसे इसकी गोड़ी भी कर लेंगे। और दोस्तों, ये है DAP। दोस्तों, ये रूट सिस्टम को डेवलप करती है। जब ज़्यादा फीडिंग रूट होंगी तभी हमारा प्लांट अच्छे से फूड ले सकेगा और अच्छे से फ्लावरिंग कर सकेगा। तो हमने इसके भी कुछ दाने डाल देने हैं। दोस्तों, अगर 10 इंच का गमला तो आपके लिए 10 से 15 दाने बहुत हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट चीज़ है समुद्री, ये एक फूड होता है जो कि हमें अपने पौधे में डालें तो इसमें कई बेनिफिट मिलते हैं। जैसे पत्ते ग्रीन रहते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है, और इसकी रूट सिस्टम बहुत डेवलप होती है। तो इसे सी वीट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, दानेदार में भी मिल जाएगा। तो आपको जो नर्सरी पे मिलता है आप इसको ले आएँ, और अपने गमले में 1 से 1.5 चम्मच आपको महीने में एक बार डालना है। तो दोस्तों, ये हमने डाल दिया है। दोस्तों, आपको फूड इसमें जो भी है, बर्मी कंपोस्ट या फिर बोन मील, ये आपको दोस्तों ख्याल रखना है, क्योंकि ये सर्दियों में
ज़्यादा फीडिंग मांगता है गुलाब। उसके बाद दोस्तों हम इसको किसी भी ट्यूल से इसकी गोड़ी कर लेंगे और दोस्तों इसमें हम वाटरिंग करेंगे, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इसको गोड़ी हर हफ्ते करना है ताकि इसमें एयर मिलती रहे इसकी जड़ों को और आपका गुलाब अच्छे से ग्रो हो सके। दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम अपने प्लांट को बहुत जल्दी ग्रो कर लें, धीरे धीरे आपका प्लांट ग्रो होएगा। आप बस मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको मैं आगे भी जानकारी ऐसे ही देते रहूँगा। तो देख सकते हैं हमने इसमें गोड़ी कर ली है, अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। दोस्तों पानी कभी भी ज़्यादा ना दें, पानी आप जब ही दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। मैंने अभी वाटरिंग की थी पर आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा इसमें पानी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अच्छे से बागवानी कर सकें। जल्दी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।